गुड मॉर्निंग कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सास बहू साजिश का डेली में स्वागत नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे, कॉफी के साथ करेंगे। आइए तो करण, ये बताइए किस तरह से आपका दिन शुरू होता है? मेरा दिन पहली बात ब्लैक कॉफी से शुरू होता है, उठ के। ये अलार्म है मेरे लिए। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रही है, जो आपका कप है ये ऐसा लग रहा है बंदूक की गोली। ये मेरा स्पेशल कप है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगा, और घर दिखाने से पहले आप लोगों को एक हमारे घर के बहुत ही खास मेंबर से मिलाना चाहता हूं, द बॉस ऑफ द हाउस, डंबल। मेरा हॉल है, नॉर्मली ज्यादातर बैठते थे, अब बैठते नहीं हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी आके बैठने का। अब सिर्फ एक ही जगह मिलती, वो है अपना बिस्तर, बेडरूम। बहुत स्पेशल कॉर्नर है मेरे हाउस का, ये बुद्धा जी हैं। कभी भी कोई नेगेटिविटी स्पेशली आती है तो बाहर जाएं, पॉजिटिविटीज घर में रहें। आजकल लाइफ में इतनी टेंशन है, इतनी नेगेटिविटीज है लाइफ में। जब भी रोज सुबह निकलता हूं मैं सेट पे, क्या नॉर्मली रोज एवरीडे जब मैं उठता हूं सुबह उठ के सबसे पहले, और रात को जब सेट से काम से आता हूं तो मैं किसी और की एक बार माथा जरूर टेकूं यहाँ पे, और गुरुजी पे, हमारे गुरुजी हैं। आज मैं जो भी कुछ हूँ, इन द सेंस ऑल बिकॉज ऑफ हिम, सारा जो कॉन्फिडेंस इन लोग इन्होंने दिया है मेरे को, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। हेलो, गुड मॉर्निंग मिसेस रेनू बोरा। मेरी मॉम का भी अभी सर्जरी हुई है, छोटी सी कैटरैक्ट की आंखों में। टीवी देखना नहीं छोड़ती उनका सबसे फेवरेट पास्ट टाइम टीवी है, और टीवी में वो मेरा शो एब्सोल्युटली देखती है, मेरा शो देखती है, मेरे ब्रदर का शो देखती है। रियल लाइफ में बहुत शाई है वैसे ही। ये है हमारा छोटा सा किचन, और ये है मिस्टर अनिल पासवान जी। और अपने लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेकफास्ट जब मेरे को टाइम मिलता तो मैं बना लेता हूँ, तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगा मेरा स्पेशल ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल, तो बहुत ज्यादा बार हो गया, बहुत रिलैक्सिंग एक पार्ट दिखाता हूँ अपने घर का। आपको मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ, माय पर्सनल एरिया सब खुल जा सिम। जी इसमें देखिए, देख सकते हैं आप, जैसे मैरिड होने के बावजूद भी मेरा जो वार्डरोब देख रहेंगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है बैचलर का वार्डरोब है। ये तो थोड़ा तमीज है क्योंकि मेरी वाइफ ने थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये है मेरी जिंदगी की महक बेला। तो हमारी कितने साल हो गए शादी को? इट्स बीन 5 साल हो जाएंगे, जनवरी 28th ऑफ जनवरी, 28 जनवरी को 5 साल हो जाएंगे। वी क्वाइट हैप्पी and I am supporting him wherever he requires, or he supports me wherever I require. So we are more than friends rather than husband and wife. हो चुका है सेट पे जाने का, शूटिंग पे, सो चलते हैं। और आज कुछ अलग प्लान किया हमने, कुछ रोटी वोटी बनाएंगे, शौर्य खन्ना एक अलग ही मोड पे रोटी बनाएगा,
कपड़े धोएगा, झाड़ू पोछा करेगा मैं के घर पे। सो आइए देखिए कुछ डिफरेंट। मॉडलिंग किया करता था मैं बहुत पहले, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं देखता था एक्टर एक्टिंग, मतलब इतना दिल से नहीं पर ये था कि स्क्रीन पे आना है, मजा स्क्रीन पे अपने आप को देखना है मेरे को एक ना एक दिन। सेट पे आज हमारे चपाती बन रही है रोटी, तो शौर्य खन्ना खाना बनाना जरूर जानता है पर चपाती बेलना एंड ऑल ये तो काफी कम करता है। बहुत मजा आ रहा है। तो ये अब चार पहले हो गई, चार अभी हो गई, आठ रोटी हो गई। पर मेरे लिए हेल्थ कॉन्शियस बोले तो सब कुछ खाता हूं मैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं खाता वो नहीं, बट फॉर मी मेरा प्रेफरेंस रहता है कि स्पाइसेस ऑयल कम रहे खाने में, खाना खाने की तरह हो। मैं सब्जी को बनाओ, सब्जी को मारो मत पका पका के, तो वो थोड़ा मेरे कंसर्न रहता है। बस लंच हम लोग सब साथ में करते हैं, मैं समीक्षा श्रुति हम लोग सब, मज़ा नहीं आता अकेले अकेले करने में। तो इस तरह से बीतता है मेरा दिन। आई होप आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आया होगा। बस ये कहना चाहूँगा आप देखते रहिए जितने की महक, जो प्यार दे रहे हैं आप, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कैरेक्टर्स को, हर सारे कैरेक्टर्स को, पूरे शो को, वो बरकरार रखिए। एंड दिल से सास बहु साजिश का शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो आए और मेरी लाइफ को कवर किया उन्होंने।